दोस्तों, आप सबने बहुत से ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपने जीनियस माइंड के दम पर पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। वैसे तो हम सब में कुछ न कुछ खास टैलेंट जरूर होता है, लेकिन जीनियस लोगों में कुछ खास हैबिट्स होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। और आज मैं आपको उन्हीं खास हैबिट्स के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या पता आप में भी एक जीनियस छुपा हो। नंबर 8, नेल बाइटिंग। दोस्तों, आप सबने अक्सर पेरेंट्स को कहते सुना होगा कि नेल बाइटिंग बैड हैबिट है, और ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि नेल्स के नीचे जर्म्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस आदत से बाज नहीं आते। पहले ऐसा माना जाता था कि जो लोग नेल्स को बाइट करते हैं वो तब ऐसा करते हैं जब वो नर्वस होते हैं, पर जब ऐसे लोगों पर स्पेशल रिसर्च हुई तो पता चला कि वो तो ऐसा नॉर्मल कंडीशंस में भी करते हैं। असल में ऐसा वो लोग करते हैं जिनका दिमाग बहुत तेज होता है। ऐसे लोग जब बोर हो जाते हैं या किसी चीज से तंग आ जाते हैं तब वो अपने नेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। ये बॉडी हैबिट उनकी फ्रस्ट्रेशन को रिलीज कर देती है और उनका ब्रेन एनर्जेटिक रहता है। नंबर 7, लेजीनेस। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुनिया की जीनियस और सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज बहुत ही एक्टिव होती हैं और वो दूसरे लोगों की तरह नहीं थकते, तो आप गलत हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जीनियस लोग हद से ज्यादा लेजी होते हैं। ये बात सुनने में नॉनसेंस लगती है, लेकिन इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। असल में ऐसा इसलिए है कि जब इंसान के दिमाग पर जोर डाला जाता है और क्रिएटिविटी के लिए कई सारे थॉट्स दिमाग में एक साथ जमा हो जाते हैं, तो इंसान ऐसा फील करता है कि जैसे वो ये काम कर रहा हो। और जीनियस लोग तो वैसे ही अपने माइंड का फुल यूटिलाइजेशन करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका ब्रेन थक जाता है और उन पर लेजीनेस हावी हो जाती है। लेकिन फनी बात यह है कि ऐसे लोग लेजीनेस से नहीं थकते और दूसरों को काम सौंप कर खुद एंजॉय करते हैं। नंबर 6, थिंकिंग बिफोर स्लीपिंग। दोस्तों, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही बेड पर लेटते हैं तो उन्हें तुरंत नींद आ जाती है, वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को जल्दी नींद नहीं आती। इन दोनों सिचुएशंस में फर्क ये है कि जो लोग जल्दी सो जाते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो किसी क्रिएटिविटी या एक्स्ट्रा चीजों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जीनियस लोग काफी देर लेटने के बाद भी नहीं सोते, इन्हें नींद काफी देर से आती है। इसकी वजह यह है कि इनका माइंड बहुत एक्टिव होता है और इनकी ब्रेन एक्टिविटी इन्हें नहीं सोने देती। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसकी वजह एक स्मार्ट जीनियस माइंड है। नंबर 5, स्लोपिनेस। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम तरीके से नहीं करते। इनमें कमरा, चीजें, कपड़े सब कुछ शामिल है। कुछ लोग इस बात की परवाह ही नहीं करते कि इनके रूम में हर चीज बिखरी पड़ी है। इवन इनका वर्किंग एरिया भी काफी बिखरा हुआ होता है। लोग समझते हैं कि ऐसा इंसान बेवकूफ और लेजी है, लेकिन हकीकत यह है कि ये जीनियस माइंड की निशानी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर चीजें तरीके से रखी हों तो ऐसी जगह को देखकर इंसान बोर हो जाता है, जबकि बिखरी हुई चीजों से क्रिएटिव थिंकिंग पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, दुनिया में जितने भी जीनियस लोग हुए हैं उनकी लैब्स बिल्कुल किसी बच्चे के बिखरे हुए कमरे की तरह होती थी। नंबर 4, स्टूपिड हॉबीज। दोस्तों, हम लोग अक्सर अपने आसपास कई ऐसे लोग देखते हैं जो अजीबोगरीब हरकतें और काम करते हैं। इनकी हॉबीज बिल्कुल नॉनसेंस होती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि वो एक जीनियस हो सकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपना पैसा फालतू चीजों में बर्बाद करते हैं और बिल्कुल बेकार चीजें खरीद कर इन्हें टेस्ट करते रहते हैं। असल में इनका माइंड बहुत शार्प होता है। वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनका माइंड हर समय नई चीजों की डिस्कवरी में लगा रहता है और वो डिफरेंट हॉबीज को अपना कर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इवन कई लोगों को तो खुद भी पता नहीं होता कि वो शार्प माइंडेड हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। नंबर 3, गेटिंग अप लेट। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात में देर से सोते हैं और सुबह काफी लेट से उठते हैं। वैज्ञानिकों ने जितने भी ब्रिलियंट लोगों की स्टडी की है, इनमें से ज्यादातर सभी रात को लेट से सोते थे और सुबह काफी देर तक सोए रहते थे। इसके दो मेन रीजन हैं। अगर इंसान दिन को देर तक सोया रहे तो रात को नींद नहीं आती, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीनियस और क्रिएटिव लोगों के लिए सोचने और काम करने का बेस्ट टाइम रात का होता है, क्योंकि रात के वक्त खामोशी और अकेलापन होता है और डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, इसलिए इंसान फुल फोकस के साथ काम कर सकता है। इसलिए आप में भी अगर ये हैबिट मौजूद है तो हो सकता है आप में भी एक जीनियस इंसान मौजूद हो। नंबर 2, स्केचिंग। दोस्तों, आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बेमतलब ही किताब और पेपर्स को काला करते रहते हैं। कभी कभी तो वे अजीब स्केच भी बनाते रहते हैं। आप भले ही उन्हें पागल समझें, पर उनके ऐसा करने के पीछे एक वजह होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा करके वो अपने ब्रेन को एक्टिव और वर्किंग रखते हैं। ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज के मुताबिक ऐसा काम एक स्मार्ट पर्सन ही करता है, और वो अपने ब्रेन में आने वाले क्रिएटिव थॉट्स को पेपर पर उतार देता है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आपके अंदर छुपे एक जीनियस इंसान की निशानी है। नंबर 1, सेंस ऑफ ह्यूमर।
दोस्तों, जीनियस लोगों पर की गई स्टडीज में सामने आया है कि ऐसे लोग समझदार होने के साथ साथ बहुत ही अट्रैक्टिव भी होते हैं। इनकी लुक्स अच्छी ना भी हो तब भी ये लोगों को पसंद आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग फनी और स्मार्ट होते हैं और इवन जोक्स भी करते हैं। असल में हमें लगता है कि जीनियस लोग हमेशा सीरियस रहते हैं और अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाते हैं, लेकिन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। तो अगली बार आप किसी को बहुत ज्यादा पढ़ते देखें तो समझिए कि वो इतना स्मार्ट नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। उसे चीजें देर से समझ में आती हैं और जो जीनियस होते हैं वो रिलैक्स होकर पढ़ते हैं और कभी कभी तो बैक बेंचर भी सबसे आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इन आदतों में आप में कौन सी हैबिट है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर दीजिए।